अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज हिना सरफराज फ्रॉम पैगाम हक। और आज हमारे साथ शामिल हैं हाफिज आतिफ साहब। तो आज और हम जो हमारा मौजू होगा वो है कुरान, कुरान के बारे में जो कुछ सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे। इनको माशाल्लाह हदीसों की भी बहुत नॉलेज है, हदीस साइंस पे इन्होंने पढ़ रखा है और कुरान के भी हाफिज है माशाल्लाह, उनकी काफी रिसर्च है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहन में आते हैं और कहना ये चाहिए कि कुछ गलतफहमियां हैं जो लोगों को आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, आपसे क्या जी। तो आपको पता है आज का मौजू जो है हमारा, वो हम एक तरह से ये कहना चाहिए कि कुरान के बारे में जो गलतफहमियां हैं लोगों को, तो उसके बारे में आप हमें, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और हमारी ये कोशिश होगी कि उन गलत फहमियों को दूर किया जाए। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे ये कुरान के जो वर्जन्स कहते हैं कि डिफरेंट वर्जन्स हैं, 7 हुरूफ, ये 7 हुरूफ का जो मामला है, तो उसके बारे में आप शुरू करें, फिर आगे मैं और सवाल। 7 वर्जन्स यानी आप वो 7 हुरूफ के बाबत पूछ रही हैं मुझसे? जी जी जी, जो 7 हुरूफ के हवाले से रिवायत पेश की जाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 7 हुरूफ में कुरान नाजिल किया गया जी। इस बाबत तो देखें, ये भी रिवायात से ही अखज़ किया जाता है कि अल्लाह के रसूल के पास हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में वाकिया आता है सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर। उसमें ये लिखा है कि उमर बिन ख़त्ताब ने एक मरतबा नमाज के दौरान एक शख्स को जिसका नाम हिशाम आया है, उसको देखा कि वो एक सूरत तिलावत कर रहा था, तो उन्होंने उसको मुख्तलिफ पाया उस किरत से या उन अल्फाज से जो वो पढ़ा करते थे। तो उसने उमर बिन ख़त्ताब ने उस शख्स को नमाज पढ़ने के बाद अपना जो कपड़ा है उनकी गर्दन पे बांधा और उससे घसीटते हुए अल्लाह के रसूल के पास ले गए। ये पूरा वाकया सही बुखारी के अंदर ही लिखा हुआ है। अच्छा। अल्लाह के रसूल के पास जाके उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये उस किरात से, उस पढ़ने से मुख्तलिफ किरात कर रहे थे जो आपने हमें पढ़ाई है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस शख्स से कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। उसने पढ़ के सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, ये जिब्रील ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया है। फिर उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि आप मुझे पढ़ के बताओ। उन्होंने पढ़ के बताया तो उन्होंने कहा कि जिब्रील ने मुझे ऐसे भी पढ़ाया है। फिर उस रिवायत के आखिर में अल्फाज आए हैं कि जिब्रील ने मुझे 7 किरात के ऊपर कुरान पढ़ाया है, यानी कि कुरान मुझ पर 7 हरूफ में नाजिल हुआ है। असल अल्फाज ये हैं जी, तो सबाफ 7 हरूफ, ये अल्फाज उस रिवायत के अंदर आए हैं। और चूंकि ये 7 हरूफ वाला मामला ऐसा है कि आपको पता है कि हरूफ, 7 हरूफ का मतलब ये है 7 कुरान, क्योंकि हरूफ का मजमुआ होता है लफ्ज़। अगर आप हरूफ 7 हरूफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 कुरान थे जो मुख्तलिफ अल्लाह के वसूल के ऊपर नाजिल फरमाए गए हैं। अच्छा, बाद वालों ने क्या किया है कि तर्जुमे के अंदर कुछ तब्दीली कर दी है, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि अगर 7 हरूफ ही लिख दिए जाएंगे तो ये सवालात उठेंगे कि वो 7 हरूफ कहाँ हैं। इस दुनिया के अंदर तो वो 7 हरूफ मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह के वसूल के ऊपर वो 7 हरूफ में नाजिल हुआ था तो ज़रूरी था कि वो 7ों हरूफ ऐसे ही महफूज हों जैसे कि अभी हमारे पास कुरान मुकम्मल तौर पे महफूज है। उनका गैर महफूज होना ही इस बात की दलील है कि वो रिवायत बातिल है और ऐसा कोई वाकिया पेश नहीं आया। कुरान जिन हरूफ पर नाजिल हुआ था वही हरूफ हमारे पास मौजूद हैं और इसीलिए हम इसके दावेदार हैं कि कुरान बग़ैर तहरीफ के, गैर मुहर्रफ हमारे पास मौजूद है और जैसा अल्लाह के असूल पर नाजिल हुआ था वैसे ही हमारे पास इस वक्त भी पाया जाता है कुरान। अगर आप खुद ही ये मवाद पेश कर देंगे कि 7 हरूफ में नाजिल हुआ और 7 हरूफ अल्लाह के असूल पर नाजिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक हर्फ के अंदर कुरान मौजूद है, तो हमारा जो गैर मुहर्रफ का ये या महफूज होने का कुरान का दावा है ये खुद ही बातिल करार पाता है। तो हम लोग खुद ही ऐसा मवाद पेश करते हैं मुखालफीन को कि मुखालफीन के पास दलाइल मिल जाते हैं
हमारे दीन को या हमारी किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पेश करते हैं उसको बातिल करार देने का। अब आप ये देखें कि इस रिवायत के अल्फाज में सबा हरूफ का लफ्ज़ आया है जिसकी मीनिंग सात हरूफ है। अब इसका तर्जुमा करते हुए लोग सात किरात कर देते हैं, क्योंकि अगर वो सात किरात नहीं करेंगे तो यही इश्कालात पेश आएंगे जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए हैं। उनका इन अल्फाज में इनके माना में तब्दीली कर देना, वो सात किरात कर देना, ये खुद ये बात साबित करता है कि वो भी इस मामले के अंदर मुतरद्दिद हैं और इसके अंदर शक में पड़े हुए हैं कि ये अगर सात हुरूफ हैं तो वो कहाँ हैं। ठीक है, सही बात है। सात हुरूफ वाली रिवायत तो सही हो ही नहीं सकती है। कुरान जो हमारे पास मौजूद है ऐसे ही अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ था और अल्लाह के रसूल ने महफूज तरीन सूरत में अपनी उम्मत के हवाले करके अल्लाह के रसूल अपने मनसब रिसालत का जो फ़र्ज था उसको मुकम्मल करके इस दुनिया से गए। ये नहीं हो सकता कि सात हरूफ में नाजिल हो, हमारे पास सात हरूफ में ना आए और एक ही हरूफ के अंदर, एक ही किरत के अंदर या जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो ये रिवायत बिल्कुल भी सही नहीं है, ये रिवायत बातिल है। कुरान में कोई ऐसी जैसे कोई आयत है ऐसी जिसके बारे में जो ये रिवायतें घड़ी गई हैं, या कुरान में कुछ जिक्र आया है इस किस्म का? नहीं, मामला ये हुआ है कि राविया हदीस ने जो रिवायतें बयान की है ना सात हरूफ वाली, अब ये सात हरूफ वाली रिवायत बयान करने के बाद किसी भी रिवायत के अंदर ये मौजूद नहीं है कि वो छः हरूफ वाले कुरान कौन सा है और कैसे पढ़ा जाता था, ये किसी भी रिवायत के अंदर नहीं लिखा हुआ। कुरान के अंदर ऐसा कोई जिक्र या इशारा मौजूद ही नहीं है कि कुरान को किसी और अल्फाज में बयान किया गया है या उसको नाजिल किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत है ये, तो यानी कुरान में तो है ही नहीं कोई जिक्र, कुरान में तो कोई इशारा भी नहीं है इसका मनगढ़ंत होने का। देखें ये क्या होता है कि रावियाने हदीस कम से कम मालूमात लेकर आते थे रिवायत के अंदर, क्योंकि जितनी कम मालूमात वो प्रोवाइड करेंगे इतना ही झूठ पकड़ने का जो इम्कान है वो कम होगा। अगर ज़्यादा मालूमात प्रोवाइड करेंगे तो झूठ पकड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अब उन्होंने किसी भी रिवायत के अंदर ये बयान नहीं किया है कि वो रावी या वो सहाबी किस तरीके से कुरान पढ़ रहे थे जिसकी बाबत इतना उलझा हुआ कि उमर बिन खत्ताब उनकी गर्दन में वो अपना कपड़ा डाल के खींचते हुए ले गए, यानी बात झगड़े तक पहुंच गई। वो कौन से अल्फाज थे, क्योंकि अगर अल्फाज नकल कर देगा तो उस पर मजीद इश्कालात पैदा होंगे कि वो अल्फाज कहाँ से आए, कैसे अल्फाज हैं, उसके उन अल्फाज से कुरान के मानी में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है। सही सही, ये कम से कम मालूमात देता है रावी ताकि झूठ पकड़ने का इम्कान जो है वो कम से कम रहे। ये रिवायत घड़ने का सबसे मोहतात तरीका है, कम से कम मालूमात दो ताकि रिवायत जो बयान की जा रही है उसको झूठ पकड़ने में ज्यादा मुश्किल हो और इम्कान कम हो कि झूठ पकड़ा जाए। और देखिए कि इसकी वजह से कैसे जहन में शक आ जाता है, और वो कितनी गलत चीज है जो कुरान के बारे में किसी शक और शुबात का पैदा होना, ये बहुत ही यानी इंतहाई खतरनाक चीज है जो जो लोगों के दिलों में डाली जाती है। अच्छा, एक कुरान और ये देखिए, हम लोग जो किताब कुरान पेश कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम बता के पेश कर रहे हैं, तो ये मवाद भी हम लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरीके से उनको पेश कर रहे हैं कि आपके ऊपर इश्कालात पैदा हो रहे हैं, वो आपसे ही दलील लेकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लें कि हम रिवायत हदीस के जरिए खुद ही उनको दलील दे रहे होते हैं कि ये मवाद हमसे ले जाओ और जो जरूरत तुम्हें करनी है वो जरूरत तुम कर लो, क्योंकि जरूरत तो हम नहीं कर सकते। रिवायत हदीस के अंदर ऐसी ऐसी रिवायत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर दीन इस्लाम पर, अल्लाह के वसूल पर, कुरान के ऊपर मुख्तलिफ इश्कालात उठाए जाते हैं और उठाए जा रहे हैं मुसलसल, और वो हमारी रिवायत की किताबों के अंदर ही मौजूद है। हम जो कुरान के ऊपर दावा करते हैं कि गैर मुहर्रफ है, अल्लाह के वसूल पर ऐसे ही नाजिल हुआ था, अल्लाह के वसूल की तरफ से हमें ऐसे ही मिला है, और इसके अलावा हम दूसरी किताबें जो हमारे पास मौजूद हैं रिवायत हदीस, जिसके बारे में हम ये दावा करते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर तारीखी मवाद है और मुकम्मल इसकी हैसियत वैसी ही है गोया कि जिससे कुरान महफूज है वैसे ही रिवायतें भी महफूज हैं। अब ये रिवायात को हम पेश करते हैं, आप देखें रिवायात की कुतुब के अंदर हर तबके हर फिरके की तस्कीन का सामान मौजूद है, जो चाहता है उससे हासिल कर लेता है। कुरान के बारे में आप जाइए किताबों के अंदर, अलमसाहिफ़ इब्ने अबी दाऊद, इब्ने अबी दाऊद की किताब है, उसके अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है
कि उस्मान बिन अफान ने इस कुरान को जमा किया तो उनके पास साहिल ये सवाल करने गया कि ये कुरान इसके अंदर कुछ गलतियां मौजूद हैं। तो उस्मान बिन अफान के अल्फाज सुनिएगा कि उस्मान बिन अफान के जो अल्फाज हैं वो रावी नकल करता है कि उन्होंने कहा कि ये जो गलतियां हैं इसके अंदर ये कुरैश की जबान में हैं, कुरैश इन गलतियों को खुद ही सही कर लेंगे। ये अल मसाहिफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और अल मसाहिफ में होने के बाद इन रिवायत को मुख्तलिफ उलमा ने अपनी किताबों में नकल किया है, करते आ रहे हैं मुसलसल। तो नकल क्यों कर रहे हैं? अगर आप इसको नहीं मानते हैं, गलत समझते हैं, तो इसको दरी समंदर बट कर दें, खत्म कर दें उन किताबों से। आप मुसलसल उनको नकल करके लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पास जो कुरान मौजूद है ये गलतियों का मजमूआ है और ये उस वक़्त जब लिखा गया था उस वक़्त भी गलत है। और इसके अलावा उसी किताब के अंदर अम्मा आयशा से ये रिवायत भी मौजूद है कि उन्होंने चार गलतियां वाजे भी की कि कुरान में ये चार गलतियां मौजूद हैं। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए कि आप किस तरीके का मवाद कुरान के बारे में पेश कर रहे हैं और आपका दावा कुरान के बारे में क्या है कि कुरान जो है एक महफूज किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है और जो दलाइल आपकी किताबों में लिखे हुए हैं रिवायत हदीस की किताबों में वो आपके कुरान को बाकी करार दे रहे हैं। जी, ये आप अपने दावा के बिल्कुल खिलाफ मवाद पेश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वो जुरत करेंगे आपके दीन के खिलाफ, किताब के खिलाफ। सही बात है। तो इसी से मुतालिक ये दूसरा सवाल है, ये वो हिफाजत का, तो इसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जैसे कुरान की जो हिफाजत का मामला है ये जाहिर है अल्लाह ने अपने खुद जिम्मे लिया है, और तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे लोगों को? मैंने आपका सुना था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर में कुरान के बारे में। तो देखें, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया है कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया, वातमंतु अलैकुम नियमती, और अपनी नियमत को तुम पर तमाम कर दिया है। जब अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में खातमुन नबीयीन का अल्फाज आ गया है कि अल्लाह के रसूल नबियों के आखिर हैं, तो इसके बाद जो किताब रहनुमाई के लिए उम्मत को दी गई है वो यकीनन वो किताब होनी चाहिए थी जो महफूज हो, गैर मुहर्रफ हो। तो अल्लाह ताला की तरफ से ही इसका जो हिफाजत का एहतमाम है वो किया जाता रहा है, हर दौर के अंदर ये किताब महफूज रही है और अभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया के अंदर ये किताब मानी जाती है कि ये गैर मुहर्रफ है और महफूज है। जनरेशन टू जनरेशन इसको नकल किया जाता रहा है, हमारे पास ये वैसे ही पढ़ी जाती है जैसे कि ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में पढ़ी जाती थी। आप समझ लें कि इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि हर हर घर के अंदर इसके पढ़ने वाले मौजूद हैं, इसके हिस करने वाले मौजूद हैं, लाखों की तादाद में आज के ज़माने में इसके हाफिज मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़माने में ये किताब नाजिल हो रही थी उस ज़माने में हुफ्फाज की तादाद कितनी होगी, जबकि हम अपने जज्बा ईमानी को देख लें और उस ज़माने के लोगों को देखें जो अल्लाह के रसूल के साथ एक जमात की शक्ल में काम कर रहे थे, तो हम खुद देखते हैं कि उनके जज्बा ईमानी में और हमारे जज्बा ईमानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आज के दौर में यह हाल है कि हम ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी आलिम को भी सुनता है ना कि कुरान में गलती कर रहा है तो वो उसकी भी तस्दीक करने की कोशिश करता है। ये मेरे अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि छोटे बच्चे भी गलती निकाल देते हैं, तो इस दर्जे को हिफाजत है, तो इससे ज़्यादा हिफाजत तो आप समझ लें कि ये तजर्बे के खिलाफ होगी कि हम कहें कि ये महफूज किताब नहीं है। तजर्बा और मुशाहिदा इस पे गवाह है कि ये महफूज किताब है। हाँ, ये तो कुरान में भी इसका मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह ताला ने इशारा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान जो है ये जिक्र है, जिक्र वाला है, इसकी सिफत क्या है, इसमें जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कि हम जो हैं वो जिक्र हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान के अंदर जो जिक्र है वो अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है। मजीद बरा मैंने अभी आपके सामने बताया कि इसके दर्जे की जो हिफाजत का दर्जा है वो हमारे सामने है, मुशाहिदा भी इस पर गवाही दे रहा है कि हमारे सामने पूरे ज़माने के अंदर इस किताब को लाखों लोग हिस कर रहे हैं और लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में इसकी छपाई अभी भी चल रही है और हमेशा से इसका यही एहतमाम रहा है। जी, एक सवाल मैं इस जगह पे मैं ये करना चाहूंगी कि लोग जो ये कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के जैसे दुनिया से जाने के बाद लिखा गया,
तो ये देखें, ये एक और एक जो जैसे शक पैदा किया जाता है, ये कैसे मुमकिन है कि, और ये कहते हैं कि वो उम्मी थे, तो जैसे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। ये भी इसी से मुतालिक एक सवाल है कि तो आप कुरान क्या कहता है और आपकी रिसर्च क्या कहती है, आप बताएंगे इसको मैं वाजे कर दूं। मैंने आपके साथ जो पिछला एक सेशन किया था वहां पर भी कुछ इशारे किनारे के अंदर इस बाबत गुफ्तगू की थी, इसको मैं वाजे कर देता हूँ। देखें, ये जितनी भी बातें हमारे यहाँ मौजूद है ना, इनका जो समझ लें कि दलील है वो सिर्फ और सिर्फ रिवायत हदीस है। अल्लाह के वसूल के बारे में आप अगर ये सोचते हैं कि अल्लाह के वसूल अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कुरान को मुरतब करवा कर एक किताब की सूरत में छोड़कर नहीं गए थे, तो ये तो अल्लाह के वसूल की शान रिसालत पर हमला है। बिल्कुल, कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह के वसूल अपने मनसब रिसालत को मुकम्मल और महफूज तरीन सूरत में उम्मत को छोड़कर नहीं गए हैं, उनके सबूत करके नहीं गए हैं। क्योंकि आप देखें कि हर ज़माने के अंदर जितने भी नबी आए हैं उन्होंने महफूज तरीन सूरत में अल्लाह की किताब लोगों को मुंतकिल करके उनके सबूत करके इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह के वसूल के बारे में हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने किताब को मुरतब नहीं किया और किताबी सूरत में अल्लाह के वसूल इस दीन को, इसलिए कि दीन के हासिल करने का ज़रिया हमारे पास सिर्फ किताबुल्लाह ही है। अगर आप समझते हैं कि ये अल्लाह के वसूल इसको मुरतब करवा के नहीं गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के वसूल दीन को महफूज तरीन सूरत में छोड़कर नहीं गए। जबकि अल्लाह के वसूल के बारे में अल्लाह फरमाता है बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि आपके ऊपर जो कुछ नाजिल किया गया है उसको आप पहुँचाएंगे। वा इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिसालत को मुकम्मल तरीके से नहीं पहुँचाया। तो अल्लाह के वसूल इसको मुकम्मल तरीके से सुपुर्द करके गए हैं, उम्मत के हवाले करके गए हैं, और इस पर कुरान की कई आयत गवाह हैं। मैं कुछ आयत आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के वसूल के बारे में सबसे पहला जो इश्काल पेश किया जाता है वो ये किया जाता है कि अल्लाह के वसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ये एक बुनियादी इश्काल है जो हमेशा से पेश किया जा रहा है, और अभी भी आज के ज़माने के अंदर भी अल्लाह के रसूल के ऊपर यही इश्काल पेश किया जाता है, और इसको बतौर मुआवजा पेश किया जाता है कि अल्लाह के रसूल का ये मुआवजा था कि अल्लाह के रसूल को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, और इसके बाद अल्लाह के रसूल को लिखना और पढ़ना आना शुरू हो गया। देखिए, अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह अनकबूत में आप जायजा लीजिए, आयत नंबर 48 के अंदर वहां पर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि वमा कुंत तत्लू मिन कबलिही मिन किताब वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुबतिलून। वमा कुंत तत्लू मिन कबलिही, इससे पहले आप ना तो किसी किताब से तिलावत किया करते थे, अब इसको आप समझते रहिएगा, किसी किताब से ना तो तिलावत किया करते थे, मिन कबलिही इससे कबल, वला तखुत्तुहु बियमीनी का, और ना ही अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखा करते थे, इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, तब तो इसको बातिल करार देने वाले किसी शक और शुभ में मुबतला होते। यानी कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मिन कबलिही की कैद लगाई है कि इससे पहले अल्लाह के रसूल ना पढ़ा करते थे किसी किताब से और ना ही लिखा करते थे। अब आप बताइए इसका मफहूम मुखालिफ क्या होगा कि इसके बाद लगे वसूल लिखा भी करते थे और पढ़ा भी करते थे। ये तो बिल्कुल वाजे है, ये तो बिल्कुल साफ बात है। देखिए कि इस आयत के अंदर मैंने पढ़ा मिन किताब, अब यहाँ पर मिन किताब का मतलब ये खुद ही इसका सियाक व सबाक मुतय्यन कर रहा है। अगर आप इसको ऊपर की आयत से पढ़ना शुरू करें, आयत नंबर 45 से, जिसमें ये किसमें से पढ़ना शुरू हो रहा है, उतलू मा उहैया इलैका मिनल किताब। अब यहाँ पर उतलू मा उहैया इलैका मिनल किताब से आप किताब को गिनना शुरू करें, चार मरतबा किताब का जिक्र आया है, और ये चार मरतबा जो किताब का जिक्र आया है ये वो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबों का जिक्र है इसमें। उसके बाद आया है आयत नंबर 48 में वमा कुंता तत्लू मिन कबलिही मिन किताब, क्योंकि अल्लाह के वसूल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि अल्लाह के वसूल पिछली आसमानी किताबों से देख देख कर लिखा करते हैं। उसका रद अल्लाह के रसूल ने किया है कि आपने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि अल्लाह के वसूल उम्मीदों में से आए थे, आपने इससे पहले कोई किताब ना तो पढ़ी है
और ना ही अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखा है, बल्कि जब अल्लाह ताला की तरफ से किताब का नुजूल शुरू हुआ है तो अल्लाह के रसूल उसको लिखा भी करते थे और अल्लाह के रसूल उसको पढ़ के लोगों को सुनाया भी करते थे। और यही बात आप सूरतुल फुरकान में जाके पढ़ें, कुफार का एतराज भी अल्लाह के रसूल के ऊपर यही था, वकौलू असातीरुल अव्वलीन, उन्होंने कहा है कि ये पिछले लोगों की लिखी हुई बातें हैं, इक्तबह, इसने इसको लिखा है। देखिए कुफार ये मानते थे कि अल्लाह के रसूल लिखते हैं, लिखना जानते, यानी कुफार भी मानते थे, तो आज क्या मुसलमान कहता है कि अल्लाह के रसूल को लिखना नहीं आता? ये तो बहुत बड़ी दलील है कि वो कुरान से ही साबित होता है। बिल्कुल हाँ, वकौलू असातीरुल अव्वलीन, वो ये कहते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये पिछलों की लिखी हुई किताब है, यह बातें हैं, यह सत्रे हैं, एक ततबह, इसने उसी को अपने पास लिख लिया है। वो कहते थे तुम्हारे पास कोई नया पैगाम नहीं आया है, तुम पिछलों के अफसाने लिख लिया करते हो। एक ततबह फाहिया तुम अलैही बुकरतं व असीला। अब देखें यहाँ पर तुमला का लफ्ज आया है, तुमला को आप समझ लें इंग्लिश में डिक्टेशन कहते हैं। डिक्टेशन को अगर आप अपने जहन में लेकर आएंगे, डिक्टेशन कैसे होता है, आज के जमाने के अंदर भी एक बच्चा बच्चा इमला के लफ्ज से वाकिफ है, डिक्टेशन से वाकिफ है कि बच्चे के सामने या किसी के सामने कोई चीज पढ़ी जाए तो वो सुनकर उसको लिख ले। यानी अल्लाह के रसूल सुनकर समझते भी थे और सुनकर भी लिखना जानते थे, ये बात काफिर भी मानते थे और आज के मुसलमान उसका इंकारी बना हुआ है। तो अल्लाह के बात के ऊपर ये इश्काल पेश किया जाना कि अल्लाह के रसूल को लिखना नहीं आता था, ये बिल्कुल बातिल है, बल्कि कुरान खुद गवाही देता है, काफिर भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह के रसूल लिखते भी थे और अल्लाह के रसूल कुरान नाजिल होने के बाद किताब को, यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किताब को लिखकर अपने दाहिने हाथ से और लोगों को पढ़कर भी सुनाया करते थे। अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर ही अल्लाह के रसूल ने कुरान को मुरतब करके अपनी उम्मत के हवाले किया है, वरना आप देखें कि आप अल्लाह के रसूल के बारे में ये साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल को पढ़ना नहीं आता था, बल्कि लिखा हुआ मालूम नहीं होता था क्या लिखा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए जरा। रिवायत हदीस में साबित किया जाता है कि अल्लाह के रसूल को ये पता नहीं चलता था कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो अल्लाह के रसूल को पूछना पड़ता था कि ये क्या लिखा है मुझे बताओ। सुलह हुदैबिया का वाकया सही बुखारी में लिखा हुआ है ना, उसमें यही बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल को ये पता नहीं चल रहा था कि मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ कहाँ है, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कहाँ लिखा है, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ से मिटाया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह किताबों के अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। तो अल्लाह के रसूल के बारे में आप ये साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह के रसूल ने खुद को कुरान मुरतब नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए कि कुरान के बारे में इश्काल पेश करना कितना आसान हो जाएगा कि आपने बाद में जाकर ये साबित कर देना है कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबी थे वो मोमिन नहीं रहे, वो मुर्तद हो गए, वो अल्लाह के रसूल के दीन से फिर गए और उन्होंने कुरान खुद से लिखा था, अल्लाह के रसूल को पता ही नहीं था क्या लिखा है, तो उन्होंने कुरान में अपनी तरफ से अल्फाज शामिल किए हैं और आज हमारे पास जो कुरान है या मुसलमानों के पास जो कुरान है वो मुहर्रफ कुरान है, क्योंकि इनके नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो कितना आसानी से आप कुरान को अपनी तरफ से आप मवाद पेश करें लोगों को कि वो कुरान को बातिल साबित कर सकें। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम में तो जरूरत नहीं है कि हम ये बात कह सकें, लेकिन हम आपको मवाद प्रोवाइड कर देते हैं, आप खुलकर जो बात कहना चाहते हैं वो कुरान और दीन के खिलाफ करें और अल्लाह के रसूल के खिलाफ करें। आप में ये जरूरत नहीं है कि आप उस मवाद को अपनी किताबों से निकाल दें कि नहीं ये बातिल चीजें हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, बल्कि आप तो उसको शाया कर रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं, और जो नए लिखारी हैं, जो नए मुसन्निफीन हैं कुरान के बारे में लिखते हैं, वो खुद भी उसको पेश कर रहे हैं। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप साबित ये करना चाहते हैं कि कुरान में जो है वो तारीफ हो चुकी है, कुरान हमारे पास सही हालत में मौजूद नहीं है। इसके बाद अब आप आगे की तरह आपके दूसरे सवाल की तरफ, अब जब अल्लाह के रसूल के बारे में ये साबित कर देते हैं कि अल्लाह के रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था और आपने कुरान को मुरतब नहीं किया था अपनी जिंदगी के अंदर जी, तो इसके बाद जाहिर सी बात है अब तारीख बयान करने के लिए सवाल तो उठेंगे फिर कुरान मुरतब कब हुआ, तो इसके लिए भी फिर रिवायत बनाई गई है। अब वो रिवायत क्या है? सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर रिवायत में आया है कि अल्लाह के रसूल की वफात के बाद, अब ये तकरीबन 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, क्योंकि बताया जाता है कि अबू बकर का जो ज़माना है वो तकरीबन 2 साल तक रहा है उनकी खिलाफत का, उसमें जंग यमामा पेश आई। जंग यमामा के अंदर कुछ सहाबा शहीद हो गए जिनका नाम 70 सहाबा, या मैं कहता हूँ 70,000 सहाबा का नाम ले लीजिए आप, कि उमर बिन खत्ताब आते हैं वो कहते हैं अबू बकर से कि 70 सहाबा या 70,000 सहाबा
हाफिज कुरान कुर्रा उनको कत्ल कर दिया गया है। अब मुझे खौफ है कि कुरान जो है वो जाया हो जाएगा। अब आप ही देखिए आप क्या पेश कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 70 लोग थे, ये 70,000 लोग थे जिनके पास कुरान मौजूद था या कुरान हिफ्ज किया हुआ था उन्होंने। यानी आप ये पेश करना चाह रहे हैं कि कुरान किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। इसके बरक्स आप इस बात के दावेदार भी हैं कि इंजील और तौरा ये किताबी शक्ल में मौजूद थी उस जमाने के अंदर भी, लेकिन आपका कुरान जो था वो कुरान किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सीनों के जरिए महफूज चला आ रहा था कि अगर आपके लोग खत्म हो जाते हैं तो कुरान जो है उस दुनिया से खत्म हो जाएगा, ये पेश किया जा रहा है। इसके बाद आप तशवीश का इजहार करते हैं कि ये आप ऐसा करें कि कुरान को मुरतब करें। अबू बकर कहते हैं कि मैं वो काम क्यों करूं कि जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। आप अल्फाज पे गौर कर लीजिए, मैं वो काम क्यों करूं जिसे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है। फिर इन दोनों का मुकालमा चल रहा है, अबू बकर को उमर समझा रहे हैं, यहाँ तक कि अबू बकर कहते हैं कि मेरा सीना जो है वो खुल गया इस मामले के अंदर। उन्होंने बुलाया एक जवान साहबी को, उन जवान साहबी का नाम था जैद बिन साबित। आप अल्फाज सुनिएगा रिवायत के, जैद बिन साबित, जैद बिन साबित को बुलाया जाता है, ये अंसारी साहबी हैं। आप ये देखें कि मुंतखब किसे किया जा रहा है, अंसारी साहबी को। यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने में 13 साल जो मक्का से हिजरत करने वाले साहबा हैं उनमें से किसी को मुंतखब नहीं किया जा रहा। वरना अबू बकर तो उमर को भी कह सकते थे कि आप जमा करना शुरू कर दें कुरान, क्योंकि हमारे यहाँ तो अबू बकर और उमर को एक सबसे अफजल तरीन करार दिया जाता है। बल्कि मैंने तो बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि अम्बिया के बाद दुनिया कायनात के अंदर इंसानियत में अबू बकर से ज़्यादा अफजल बनाया ही नहीं गया है। इस तरह की मुबालगा आमेजी जो है वो की जाती है इन लोगों की ज़ात के बारे में। अब आप ये देखें कि ये मुंतखब किया जा रहा है जैद बिन साबित को, जैद बिन साबित से कहा जाता है कि आप कुरान जमा करें। उनका जवाब ये होता है कि मैं वो काम क्यों करूं जिसे अल्लाह के रसूल ने अंजाम नहीं दिया। अब आप देखें जैद बिन साबित ये अल्फाज कह रहे हैं, ये रिवायत गालबन अबू सही बुखारी के अंदर, इसका जो नंबर है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद जो है वो 1800 कुछ है, 1888 है या 86 है या 2686 या 88 ऐसे कुछ नंबर है। इस रिवायत के तकरीबन 18 रिवायत के बाद जब आप रिवायत खोलेंगे ना सही बुखारी में किताबुल फजाइल कुरान के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान जमा करने वाले कितने हजरात थे। उस रिवायत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान जमा करने वाले 4 लोग थे, उनमें एक नाम जैद बिन साबित का भी लिखा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जैद बिन साबित को एक जगह कहा जा रहा है कि मैं वो काम क्यों करूं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, ये कौन कह रहे हैं, जैद बिन साबित। और आगे जाके खुद जैद बिन साबित का नाम लिखा हुआ है कि ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान जमा किया करते थे। तो ये कितना तजाद है इन रिवायात के अंदर, बहुत तजाद है। जैद बिन साबित खुद जमा करने वाले, अगर उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप कुरान जमा करें तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास कुरान है, मैंने खुद जमा किया अल्लाह के रसूल के ज़माने में, ये लो कुरान में लेके आ रहे हैं, क्या जरूरत है कुरान जमा करने की। और क्या अबू बकर उमर के पास कुरान जमा नहीं था जो जैद बिन साबित को मुकर्रर किया जा रहा है कि आप कुरान जमा करें, उनके पास तो खुद कुरान होना चाहिए जिससे वो पढ़ते हों। मैं कहता हूँ कि हाफिज कुरान कितना ही ज़्यादा मजबूत हो कुरान याद करने के अंदर, लेकिन क्या वो अपने आप को किताब से गनी करार दे सकता है, क्या वो ये कह सकता है कि मैं किताब का मोहताज नहीं हूँ। किताब उसकी लाजमी ज़रूरत है किताब की, चाहे वो कितना ही मजबूत हाफिज कुरान। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि उनके जमा घरों के अंदर कुरान मौजूद नहीं होंगे, या वो कुरान जो है वो जमा करने के बाद जैद बिन साबित के लोगों के घरों पर गए हैं। इसके बाद उसके बाद अगर आप उस रिवायत का और जायजा लेंगे ना तो उसमें यहाँ भी तक लिखा हुआ है कि जैद बिन साबित कहते हैं कि मैं एक आयत थी जो हम अल्लाह के रसूल से सुना करते थे, अल्लाह के रसूल उसको पढ़ा करते थे, वो हमसे मफकूद हो गई। ये अल्फाज सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं कि वो आयत हमसे मफकूद हो चुकी है, इसके बाद हम उसको ढूंढने लगे उस आयत को, वो आयत हमें खुज़ैबा बिन साबित के घर पर जाकर मिली है, उनके पास लिखी हुई थी, उनके अलावा किसी के पास वो आयत नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाइए आप किस दर्जे का मामला पेश कर रहे हैं कुरान के बारे में। आप कह रहे हैं कि वो आयत मफकूद हो गई थी और एक बंदे से जाके आपको मिली है। पूरी रिवायत हदीस में कुतुब जरा व तादिल में इस खुज़ैमा बिन साबित के बारे में कोई मवाद मौजूद नहीं है कि ये कौन शख्स है,
मुसलमान भी था या मुनाफिक था इसका भी कुछ नहीं पता, और आप पेश कर रहे हैं कि एक बंदे से आयत मिली है, वो आयत ही मफकूद हो गई थी, यानी कि मदीने में किसी के पास वो आयत मौजूद नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है। बात कर रहे हैं कुरान के बारे में, तो देखिए अब ये रिवायत आप इस मतन से अंदाजा लगा लीजिए कि इसका मतन कितना बातिल है। ये हमारे बयान करदा दावा के बिल्कुल खिलाफ है। हम कहते हैं कि कुरान महफूज तरीन किताब है, अल्लाह के रसूल के ज़माने से महफूज चली आ रही है, और बाद में हम ये पेश करते हैं कि अबू बकर के ज़माने में इसको महफूज किया गया है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दावा इसके बारे में गलत साबित होता है। सही। और कुरान में तो आयत मफकूद हो चुकी थी, मफकूद का मतलब है गुम हो गई है, खत्म हो गई है, ये भूल गए हैं लोग उसको, वो मिल नहीं रही है। अगर जैद बिन साबित को अबू बकर उमर के पास मिल जाती तो वो खुजैमा के पास क्यों जाते इस रिवायत के मुताबिक? खुजैमा बिन साबित के पास जाने का मतलब तो ये है कि वो आयत मिल ही नहीं रही है, वो आयत वहां से मिल गई उन्होंने लिख दिया। और बिल्कुल भी आई नहीं यही वाकिया, आप उस्मान बिन अफान की जो रिवायत आई है वहां भी यही पढ़ेंगे कि वहां पर लक़द जाअकुम मसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली आयत नहीं मिल रही थी इनको, वहां अबू खुजैमा नाम लिखा हुआ है कि हमें उस बंदे के पास ये वाली आयत मिली है और हमने उससे पूछ कर ये वाली आयत कुरान में नकल कर दी है, लिख दी जी। अब इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप जरा कुरान से बता दें कि जैसे वो किताबुन मस्तूरा वो आया है आयत नंबर 17 की 58 है या 52 की 2 में, अगर आपको याद है मैं निकाल के दूंगा। आप ये देखें ये, जब आप कुरान के बारे में ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, खुद कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, तो आप मुझे बताएं किताब कहते किसको है? मैंने दो किताबें लिखी हैं, आप उस किताब के सफ़ात को अलग अलग कर दीजिए, आप किताब कहेंगी उसको? आप हरगिज़ किताब नहीं कह सकते उसको। किताब आप किताब उसको जब ही कहेंगे जबकि वो जिल्द बंदी के अंदर एक जगह जमा हो, क्योंकि मुंतशी औराक को किताब नहीं कहा जाता, जिस तरह रिवायत हदीस में पेश किया जाता है कि ये मुंतशी औराक थे, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, चमड़े पे लिखा हुआ है, खालों पे लिखा हुआ है, हड्डियों पे लिखा हुआ है, तो मुंतशी औराक को किताब नहीं कहा जाता। जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है ज़ालिकल किताब, ये किताब, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला खुद किताब के बारे में दलील दे रहा है कि ये किताब है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कुल फातु बिसूरतिम मिन मिस्ली, इनसे कह दो कि इसके मिसल कोई एक सूरत लेकर आ जाए। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कुल फातु बिअशरी सूरतिम मिन मिस्ली, इनसे कह दो कि इसके मिसल 10 सूरतें लेकर आ जाए। सूरह हुद के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि जब 10 सूरतों का एक सूरत का मुतालबा किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल फरमाया है तो ये कुरान सूरतों का मजमूआ था, ये सूरतों की तरतीब ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की रहनुमाई में अल्लाह के रसूल ने मुरतब की है, सूरतों का मजमूआ था और ये तमाम मजमूआ तो था, ये एक जगह जमा था, और ये तमाम की तमाम जो तरतीब है सूरतों की ये अल्लाह ताला की तरफ से है। आप देखिए मैंने जब आपके सामने आयत पढ़ी है कुल फातु बिअशरी सूरतिम मिन मिस्ली, सूरह हूद की आयत है, सूरह हूद का सूरत नंबर है 11, और इसमें कितनी सूरतें लाने का दावा किया गया है? 10 सूरतें लाने का जी। इसका सूरत नंबर 11 है, इसका मतलब ये है कि ये तरतीब कुरानी जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। सूरतुल बकरा में सूरतुल बकरा में आप आइए, सूरतुल बकरा में जब इनसे कहा गया कि तुम इसके मिसल एक सूरत लेकर आ जाओ, सूरतुल बकरा का नंबर क्या है? सूरतुल बकरा का दूसरा नंबर है, जब दूसरे नंबर की सूरत में एक सूरत लाने का मुतालबा है और 11वीं सूरत में 10 सूरत लाने का मुतालबा है, तो इसका मतलब ये है कि तरतीब कुरानी ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये इंसानों की बनाई हुई नहीं है, ये अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला की रहनुमाई में इस कुरान को मुरतब किया है और अपनी उम्मत को सुपुर्द किया है और ऐसे ही हमारे पास चला आ रहा है। ये तो बहुत जबरदस्त बात बताई आपने, ये तो कुरान से ही जैसे साबित हो जाता है कि ये सारी चीजें बेकार हैं। अच्छा एक मैं पॉइंट, ये उम्मी का जब मैंने जिक्र किया था तो आपने अपने लेक्चर में बड़ा अच्छा बताया था कि उम्मी क्यों कहते थे रसूल अल्लाह को, इसकी भी एक वजह थी उनकी उम्मी अल्लाह के रसूल को। देखें कुरान के अल्लाह ने जैसे क्यों मुखातिब किया है, अल्लाह ने उम्मी क्यों मुखातिब, अल्लाह ताला ने तो मुखातिब इसलिए किया है कि लोगों ने वही नाम बनाए हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से उम्मी और ऊतुल किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अच्छा
وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ. अब देखें उतुल किताब के मुकाबले में उम्मी आया है, तो आप खुद समझते हैं कि कुरान ने किस क्या चीज़ मुतय्यन की है। कुरान ने ये वाज़ह कर दिया है कि उतुल किताब यानी कि किताब वाले, और इसके मुकाबले में दूसरे क्या हैं, वल उम्मीन, और उम्मीन यानी उम्मी वो लोग थे जिन्हें किताब नहीं दी गई थी, उन्हें ये लोग उम्मी कहा करते थे। उधर ही सूरह आले इमरान में आप जाके देखें, वो कहते हैं वमिन अहलिल किताबी मन इन मन हु बिदीनारिल ला युअद्दीही इलैका, ये आयत शुरू ऐसे हो रही है, वमिन अहलिल किताबी मन इन मन हु बिकिनतारी युअद्दीही इलैका, अहले किताब के बारे में तस्करा चल रहा है कि अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप इनको बहुत सा माल दें ये आपको अदा कर देंगे, और इनमें ऐसे भी हैं कि अगर आप इनको एक दिनार भी दें तो ये अदा नहीं करेंगे आपको। आगे लिखा हुआ है ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौलू, इसका सबब यह है कि इन्होंने ये बात कही है लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कि उम्मीयीन के बारे में हम पर कोई मसला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अगर हम उम्मीयीन के साथ कोई भी मामला करते हैं तो हम पर कोई हर्ज नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि ये उतुल किताब, ये अहले किताब उम्मी किसको करार दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहते थे कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब नहीं मिली है इसलिए ये उम्मी हैं, इनको उम्मी करार देते थे। कुरान ने इसको खुद ही मुतय्यन कर दिया है, तो अल्लाह के रसूल को इसी नस्बत से उम्मी करार दिया गया, क्योंकि आप देखें वहाँ पर सूरतुल जुमुआ में वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, आप यहाँ गौर करें इस आयत के ऊपर, वही है जिसने उम्मीयीन में से रसूल भेजा है। अगर आप ये कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़ है, गैर पढ़ा लिखा है, तो भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या पूरा का पूरा मक्का जो है वो गैर पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, ये तो पूरा का पूरा मक्का, जबकि अल्लाह के रसूल तो खुद अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हमने उम्मीयीन में से रसूल भेजा है। अगर आप ये बात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल उम्मी थे मतलब कि अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो आप ये साबित करते हैं कि मक्का के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसको पढ़ना आता हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो उन्हीं में से मबूस फरमाए गए थे, अल्लाह ताला ने तो उन तमाम को उम्मी करार दिया है, तो सारे के सारे गैर पढ़े लिखे और लाइन लोग थे, जबकि आप तो पता है कि अबू जहल तक भी पढ़े लिखे थे। जबकि आप तो ये साबित करते हैं कि अरब वाले बड़े शुआरा थे, उनके शेरों को खाने काबा के ऊपर लटकाया जाता था, क्यों लटकाते थे वो, अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता था तो लटकाते किसके लिए थे। बिल्कुल, ये तो आपकी बात तारीख के बिल्कुल खिलाफ है, और आप जो पेश कर रहे हैं उसके बिल्कुल खिलाफ अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, और जो आप तारीख पेश कर रहे हैं उससे तो साबित कर रहे हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब दीन की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि दीन के बारे में उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो सारे के सारे जो है अनपढ़ थे। तो ये बिल्कुल गलत जो है नजरिया है, इस नजरिए की तरदीद तारीख भी कर रही है और कुरान भी इसकी नजरिए तरदीद कर रहा है। कुरान ने मुतय्यन कर दिया है उम्मी कौन है और उतुल किताब कौन है, वो जिनके पास किताब नहीं आई थी तो उनको किताब नहीं आई थी वो उम्मी है। कुरान की दोनों आयतें आप देखिए, दोनों में मुतय्यन कर दिया गया है कुरान के अंदर। जी जी, और इसको आप देख लें कि ये जो अल्लाह ताला ने इनके बारे में वाज़े कर दिया कि ये उम्मी कौन होते हैं, ये उम्मी वो हैं कि जिनको किताब नहीं दी गई है, और अल्लाह ताला ने हुवल्लज़ी बअसा वाली जो मैंने अभी आयत बयान की है आपके सामने, वहाँ तमाम लोगों को उम्मी करार दिया है, उसी नस्बत से अल्लाह के रसूल भी उम्मी ही करार पाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल के पास भी किताब उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे कि जिस कबीले में कोई किताब नहीं आई थी, तो अल्लाह के रसूल भी उम्मी करार पाए। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, ये बात तो क्लियर हो गई है, वो कुरान से ही साबित हो जाती है, ये अल्लाह कुरान का बड़ा एजाज है कि माशाल्लाह सब इसी से पता चल जाता है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे लोग आमतौर पे यही सुनते हैं कि जैसे एराब जो हैं वो बाद में लगे हैं या नुक्ते बाद में लगे हैं, तो इसमें क्या हकीकत है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, आप कुछ बताएंगे अपनी रिसर्च से? इसमें यही कहा जाता है कि जब कुरान को मुरतब कर दिया गया तो इसके बाद कई अरसे के बाद, आपने हज्जाज बिन यूसुफ का शायद नाम सुना होगा, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में लिखा होता है कि उन्होंने ये एराब और नुक्ते जो हैं ये कुरान पर लगवाए, और वही एराब और नुक्ते हमारे पास चले आ रहे हैं। देखिए, नुक्तों के मामला ऐसा है कि अगर नुक्ते ना हों तो आप समझ लीजिए कि ये ज़बान मुबहम रहती है, और समझ लें कि अरबी नहीं कहलाएगी, बल्कि अरबी के अतबार से
बल्कि ये अजमी ज़बान कहलाएगी, क्योंकि अजमी का मतलब होता है अरबी ज़बान के अंदर किसी का गैर वाज होना, मुबहम होना, मुश्तबे होना। वरना आप देखिए कि ये जो हरूफ अगर आप अपने जहन में लेकर आए तो हरूफ तहजी जो अरबी ज़बान के हैं उसमें बा ता सा, इनकी पहचान ही आपको नुक्तों के ज़रिए होती है। जीम हा हो, इसकी पहचान ही आपको नुक्तों के ज़रिए होती है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ज़बान ऐसी राइज हो उस ज़माने के अंदर कि जिसमें नुक्ते ना हो। ये तो आप समझ लीजिए कि ज़बान दानी के जो इल्म है उससे ला इल्मी का सबूत है, अगर हम ये बात कहते हैं तो। बिल्कुल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी ज़बान बना दी जाए जिसमें यही पता ना हो कि बा कौन सा है, ता कौन सा है, सा कौन सा है, और उसके अंदर इतने बड़े कलाम को अल्लाह ताला नाजिल फरमाते। ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला, क्योंकि ये कुरान जो है ये इख्तलाफात का मजमूआ नहीं है बल्कि इख्तलाफात को रफा करने के लिए आया था। अगर अल्लाह ताला ऐसी ज़बान को मुंतखब कर ले कि जिसमें खुद इख्तलाफात भरपूर हों और जिसमें पढ़ने वाले को ये पता ही नहीं चले कि ये जीम है, हा है, खौ है, जबकि इनका जो एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ नुक्तों का ही फर्क है। बिल्कुल, ऐसी ज़बान को मुंतखब नहीं कर सकता। इतने बड़े कलाम को अल्लाह ताला पहुंचाने के लिए ये मुंतखब कर ही नहीं सकता ऐसी ज़बान को जो अपने माना, अपने लफ्ज़ बताने के अंदर जो है वो मोहताज हो और उसमें वाज ना हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात एराब वाली, ये एराब वाली बात भी जो लिखी हुई है किताबों के अंदर, इसमें नाम आता है अबू अल असवद दौली का कि हज्जाज बिन यूसुफ ने इस शख्स को मुंतखब किया कि वो कुरान के एराब लगाए। आप ही देखिए कि अरबी ज़बान के अंदर एराब लगाने का मामला ऐसा है कि अगर आप एराब में तब्दीली कर देते हैं तो माना के अंदर बिल्कुल तब्दीली हो जाती है। अखराजा, उखरीजा, अखरुजू, ये एक ही मैंने स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश से उखरुज, अखरिज, अम्र बना दिया, मजहूल बना दिया, मालूम बना दिया। तो आप ये देखिए कि एक ही लफ्ज़ के अंदर अगर आप एराब वाज़े नहीं करेंगे तो ये मालूम ही नहीं चलेगा कि ये लफ्ज़ है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं और इसमें मफहूम क्या अख़्ज़ किया जाएगा। कुरान के अंदर एराब की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हम कुरान से मसाइल अख़्ज़ करने में एराब का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं आपको एक आयत बताता हूँ, कुरान के अंदर सूरह माईदा में आयत आई है, वहाँ पर अगर आप कुरान की आयत को पढ़ रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालों जब भी क़याम करो सलात की तरफ, खड़े हो जाओ सलात की तरफ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लिया करो, वअय्दियकुम इलल मराफ़िक, अपने हाथों को धो लिया करो कोहनियों तक। आप यहाँ देख लें फ़ग़सिलू वुजूहकुम, वुजूहा यहाँ पर आपका जो है फतहा आया है, वुजूहकुम, वअय्दियकुम ये भी हायात नसब के अंदर आया है वअय्दियकुम, क्योंकि ये दोनों एक ही हुक्म में शामिल है। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाता है वमसहु बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसह कर लिया करो। तो बिरुउसी यानी कि रुउस जो है ये हालत जर के अंदर आया है, सीन के नीचे जेर है। इसके बाद अल्लाह फरमाता है व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि व अर्जुल ये भी हालत नसब में आया है। अब आप अगर इसको पहचानेंगे इसके मफहूम को कुरान की आयत के, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो धोने का हुक्म फरमाया है वो चेहरों का है, हाथों का है और पाँव का है। ये आपको एराब बताते हैं कि इसके अंदर हुक्म क्या है। अगर आप यहाँ पर वार जुलीकुम कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने पाँव का मसह करें, तो सिर्फ एक हरकत की वजह से इसके माना मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। पाँव धोने से पाँव का मसह बन जाता है। ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है, ऐसी कई मिसालें हैं कुरान के अंदर जो पेश की जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुरान को अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के लिए मुश्किल बना कर छोड़ दे जिसके अंदर लोग इख्तलाफात में पड़ जाएं कि हमें इसके मफहूम को क्या अखस करना है। कुरान खुद कहता है अज़ालिका अनज़लनाहु हुक्मन अरबिया, हमने ऐसे ही हमने नाजिल फरमाया है इसको हुक्मन अरबिया, ये मुकम्मल तौर पे जो हुक्म है वाज़े और बय्यन है, गैर यानी कि गैर वाज़े और मुबहम नहीं है। ये कुरान अल्लाह ताला ने गैर वाज़े और मुबहम नहीं उतारा है। और अगर आप एराब के बग़ैर कुरान को लें या नुक्तों के बग़ैर कुरान को लें तो ये वाज़े नहीं कहलाएगा, ये मुबहम कहलाएगा,
बल्कि इख्तलाफात का मजमुआ कहलाएगा, ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये तारीख गलत है इसकी। जी, और देखा जाए तो जबान पहले वो बनती है जो बोली जा रही होती है, और फिर ये जैसे ग्रामर की बुक्स हैं वो बाद में जैसे बनती है, लेकिन जबान ऑलरेडी होती है, तो ये जी कैसे हो सकता है कि कोई भी जबान बोली जा रही है उसमें एराब ना हो या ग्रामर ना हो, तो ये तो जी नामुमकिन है। के बगैर तो आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते अरबी हाँ, जबान तो के अंदर। हाँ, अरबी में ग्रामर पहले से थी जब भी अल्लाह ने उसमें कुरान नाजिल किया, और तो ये कहना कि ये बाद में बनी ये भी एक तरह से गलत बात है ये कि ग्रामर हो एराब। गई, ये लुगत हो गई, ये असल जी में जबान सीखने की सेकेंडरी सोर्स होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स नहीं होती है किसी भी जी जबान की। सही, प्राइमरी सोर्स तो वही है कि आप पहले जबान के साथ बैठे, वो जबान का जो इल्म है वो हासिल कर लें कि किस तरह की बोल चाल है उनकी, ये और जो फिर सोचने सेकंड की बात है अल्लाह ये क्यों छोड़ देगा ये शक लोगों को, अल्लाह ने तो कहा ला रहे कोई शक हैं की तो और कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये है। तो एक और मेरा एक सवाल है कि जैसे एक जो शक पैदा किया जाता है कुरान के मामले में, और जो तो उसमें से एक नासिक मंसूख का भी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि जैसे ये जो है इतना गलत कॉन्सेप्ट है, जो नासिख मुख्तसरन मंसूख। आप बता सकते हैं। देखिए नासिख मंसूख के बारे में तो सबसे पहले जो दलील पेश करते हैं वो कुरान की आयत ही पेश कर दी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, मा ननसख मिन आयतिन नौ नुनसिहा नाती बि खैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। तो आप देखें सबसे पहले नसख का मतलब समझें, नसख कहते हैं अरबी जबान में किसी चीज को जाइल करके उसकी जगह ले लेना, जैसे अरबी की एक इबारत है नसखत शम्सु अज़िल्ला, सूरज ने साए को मनसूख कर दिया, यानी सूरज ने साए को जाइल करके उसकी जगह ले ली। जी अगर आप कहते हैं कि कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है और नासिख व मनसूख मौजूद है तो ये मुकम्मल तौर पे एक मुतजाद बात है। नासिख और मनसूख एक ही यानी कि मुकम्मल तौर पे कुरान के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। नासिक का मतलब ये होता है कि वो जिसने किसी को खत्म करके उसकी जगह ले ली, यानी वो किसी आयत का कायम मुकाम बन गई दूसरी एक आयत। दोबारा समझिएगा, नासिक और जी मंसूक का मतलब ये होता है कि एक आयत दूसरे के कायम मुकाम बन चुकी है, बदल कह सकते हैं। ताई करके उसकी जगह आ चुकी है। यानी जब हम कहते हैं ना कि अगर कुरान में नासिक मंसूक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नासिक था तो वो मनसूख की जगह ले चुका है ऑलरेडी। अब जो कुरान में हमारे पास आयत मौजूद है, इस एतबार से जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ नजरिया जी मौजूद है ना, इस एतबार से समझिएगा, जो कहते हैं जी ना नासिक मंसूख कुरान में हुआ है, वो होना था वो हो चुका। सही, क्योंकि आप नसख के अल्फाज पे गौर करें कि नसख कहता है कि जाइल करके किसी को उसकी जगह ले लेना, उसका कायम मुकाम बन जाना। तो अगर आप कहते हैं कि कुरान में नासिक व मनसूख थे, तो अब तो वो नासिक जो है वो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वो मनसूख की जगह ले चुका है, जो होना था वो हो चुका। अब कुरान के अंदर नासिक मनसूख तो हो ही नहीं सकता इस डेफिनेशन के एतबार से ही, क्योंकि नासिक मनसूख की जगह ले चुका है, कायम मुकाम बन चुका है। अब कुरान के अंदर जितना भी कुछ है वो सब का सब नासिक समझ लें कि उसने मनसूख कर दिया इस नजरिए के मुताबिक। जी मना आप ये देखें कि कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हमने कुरान में से कुछ नासे मंसूख किया, इस बात सही को आप समझ। मैंने पहले सही, जो बयान किया है वो उन लोगों का नजरिया बयान किया है कि जो क्या मानते हैं इस बात को कि कुरान में नासिक और मंसूख हुआ है, उनके मुताबिक तो जो हुआ है वो हो चुका, नासिक ने मंसूख की जगह ले ली है। अब तो कुरान में जो कुछ है वो नासिक है, मंसूख तो कुछ है ही नहीं, जो मंसूख था वो तो खत्म हो चुका। उसी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने कुरान में से नासिक को मंसूख किया है, इस बात को समझ लिया है। अल्लाह ताला ने कि कुरान में जो आयत आई है वो सिर्फ इतनी आई है कि मा ननसख मिन आयतिन, हम किसी आयत से मनसूख नहीं करते हैं, औ नुनसिहा, या उसको फरामोश नहीं करते हैं, फकत इतना आया है, ये नहीं आया कि हम कुरान में से नासिक को मनसूख करते हैं। अगर ये ठीक आ है, पॉइंट जाता तो दलील बन सकती, वहां तो ये इसमें नकीरा आया है किसी आयत से, इसमें मारिफा आया ही नहीं है, तो आप उसको कुरान के ऊपर चश्मा कर ही नहीं सकते इस आयत को। तो ये बात इसके भी बिल्कुल अलावा आप बताइए कि अगर कुरान के अंदर नासिख व मनसूख मान लिया जाए
तो बताएगा कौन कि नासिख क्या है मनसूख क्या है, कि अल्लाह ताला ने किसी आयत के बारे में ये कहा है कि ये नासिख है और ये उसका मनसूख है, कहीं भी पूरे कुरान के अंदर ये मौजूद नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल से कोई रिवायत ऐसी मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि भाई ये वाली आयत जो है ये नासिख है और ये जो आयत है ये वाली आयत मनसूख हो चुकी है? ये तो बात समझ की नहीं, अल्लाह कैसे ये करेगा, कुरान नाजिल हुआ और कोई आयत तो ये जो सोर्सेस आप मानते हैं दीन अखज़ करने की, उन दोनों सोर्सेस के अंदर ये चीज मौजूद ही नहीं है सिरे से कि वहां ये वजाहत की गई हो कि फुला आयत नासिख है फुला आयत मनसूख है। तो अब ये किसके सवाबदीद पे आप छोड़ रहे हैं, यानी कि आपने फुकहा उलमा मुहद्दिसीन आप कहते हैं कि इनके पास मुकम्मल तौर पे ये अथॉरिटी है कि ये किसी भी आयत के बारे में ये कह सकते हैं कि फुला आयत नासिख है फुला आयत मनसूख है, यानी कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो कुछ भी तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है तुम्हें उसकी पैरवी करनी है, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुहद्दिसीन या फुकहा या उलमा ये कह रहे हैं कि फुला आयत नासिख है फुला आयत मनसूख है, आप इसको मान लीजिए तो ये तो फिर उसी कैटेगरी में आ गया। इसमें अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, अल्लाह को छोड़कर औलिया की इत्तिबा ना करें। अगर आपने काम किया कि आपने फुकहा की बात पे ये एतबार कर लिया कि फुला आयत नासिख है फुला आयत मनसूख है, तो उनको अथॉरिटी किसने दी है, उनके पास ये कहाँ से अथॉरिटी आ चुकी है कि वो किसी आयत को नासिख को मनसूख कर दें? अल्लाह तो फरमाता है कि अल्लाह ताला के फैसले अटल होते हैं गैर मुतवद्दल होते हैं, तो अल्लाह ताला के बयान को अपनी तरफ से नासिख मनसूख करार देना ये बहुत बड़ी जुर्रत है, जबकि हमारे पास कोई दलील भी नहीं है कि हम किसी को नासिख और मनसूख करार दें। इसके बाद एक बात और ऐड कर दूं मैं यहाँ पर, आप खुद देखिए कि अगर हम ये बात कहते हैं कि फुला आयत नासिख है और फुला आयत मनसूख है, ये कहने की नौबत क्यों आई है हमारे पास? हम ये बात इसलिए कहने पर मजबूर होते हैं क्योंकि हमारे जहनों में कहीं ये बात होती है कि एक ही मौजू पर दो आयात मिल गई आपको, एक ही मौजू पर, ठीक है। अब आपने ये देखा कि ये वाली आयत जो है ये उससे मौजू टकरा रहा है आपस में दोनों का, यानी दोनों एक ही मौजू पर है और दोनों में बहुत शदीद टकराव हो रहा है। जो नासिख व मनसूख का जो इल्म होता है ना, चाहे वो रिवायत हदीस में हो या कुरान के अंदर हो, वो बना ही इस वजह से कि जो नासिख व मनसूख का दाई होता है वो ये कह रहा होता है कि कुरान की एक ही मौजू पर दो आयात हैं और दोनों आयात जो हैं एक दूसरे के मुतजाद हैं, वो दोनों अच्छा। एक दूसरे के खिलाफ है उन आयात के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो अपनी तरफ से ये साबित करता है कि कुरान में जो इख्तिलाफ है लेकिन मैंने नासिख व मनसूख के इल्म के जरिए उस इख्तलाफ को रफा किया है खत्म किया है। अब आप मुझे खुद बताइए कि आप खुद ये कुरान के अंदर पेश कर रहे हैं कि वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदु फीह इख्तलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के सिवा गैर से होता तो तुम इसके अंदर यकीनन इख्तलाफ कसीर पाते। एक तरफ तो आप वादियात पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मौजू की दो आयात में आपस में इख्तलाफ था, मैंने इख्तलाफ को खत्म किया है, अल्लाह ने इख्तलाफ नाजिल फरमाया था। ये भी साबित कर रहे हैं कि ये गैरुल्लाह की तरफ से हो गया क्योंकि तो इख्तलाफ कसीर हो गया, और कसीर इख्तलाफ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ उलमा के नजदीक कई आयात ऐसी हैं जो मनसूख हो चुकी हैं और उनके नासिख कुरान में मौजूद है। कम से कम भी जो ताल बयान की है उलमा ने वो पांच की है, तो जिन्होंने पांच ही बयान की है उन्होंने ये तो साबित कर दिया ना कि कुरान के अंदर इख्तिलाफ था, कुरान ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही। हाँ, उन्होंने इख्तिलाफ को रफा किया है, तो यानी इख्तिलाफ को रफा करने वाले वो हुए, कुरान में उन्होंने इख्तिलाफ साबित कर दिया, तो ये तो बहुत ही गलत नजरिया है, बहुत गलत नजरिया पेश करने के बारे में। और फिर मैंने आपके सामने बयान किया ना कि उस आयत को जो पेश किया जाता है उसमें कहीं कुरान का जिक्र ही नहीं है, वो तो इसमें नकीरा कॉमन नाउन आया है, मिन आयत, किसी आयत से हम मनसूख कर देते हैं, आप उसको कुरान की आयत पर चिस्पा कर ही नहीं सकते, इसका तो मफहूम बिल्कुल अलग है, इसको मफहूम अगर आप जाके देखें बिल्कुल अलग है, यहाँ कुरान की बात हो रही है, आप कुरान के बारे में पेश करें कि कुरान में हो कि कुरान से हम लोग मनसूख कर देते हैं कुरान की आयत हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ना अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसा कुछ मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत नजरिया है और ये सिर्फ उन लोगों की शरारत है जो कुरान में इख्तलाफ साबित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुरान में इख्तलाफ साबित करें। जी अच्छा समझाया आपने। अच्छा
एक ये है कि जैसे जैसे सहाबा की, जैसे कुरान में जैसे उनके कितनी तारीफ आई है, और फिर रिवायत की किताब में अगर देखा जाए तो रसूल के इंतकाल के बाद, जैसे उनके दुनिया से चले जाने रहलत के बाद, फौरन जो है झगड़े बताए जाते हैं। ये भी देखें कितनी बड़ी, जैसे ये कंट्रडिक्शन हो ही नहीं सकती कि अल्लाह कुछ कहे और हकीकत में वो कुछ और हो। तो ये भी ये तो एक मैंने बहुत बड़ी, आपको एक इशारा किया था ना इस बारे में। मैंने क्या कहा था कि आप पहले ये साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह के रसूल अपने साथियों को लिखवाया करते थे, उनको ये भी जी पता नहीं होता था कि लिखा हुआ क्या है। इसके बाद हाँ आप अल्लाह के रसूल के जो साथी हैं उनके बारे में ये साबित कर दें कि वो अल्लाह के रसूल के बाद दीन पर कायम नहीं रह सके, वो फिर गए, हुकूमत के लालच में आ कैसे गए, खिलाफत के लालच में आ गए। तो इस तरह क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा पेश करदा दीन जो है वो धराम से नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगी आपकी बुनियाद। यही काम बिल्कुल किया। आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल के सहाबियों के बारे में जो बातें करते हैं वो बराह रास्त अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते थे, वो अल्लाह के रसूल की शान में कोई ऐब नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल के सहाबा के बारे में ऐब निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि इनडायरेक्ट। लोग ये कहेंगे कि अगर ये आदमी अच्छा होता तो इसके साथी भी अच्छे होते, इसके साथी बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी तरबियत करने वाला अच्छा नहीं था। तो अल्लाह के रसूल की शान में ये बराह रास्त हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि अल्लाह के रसूल सही के साथियों के बारे में आप ये प्रोपेगेंडा फैला दें कि सारे के सारे जो है मुर्तद और काफिर हो गए थे, वो हुकूमत के लालच में आ गए थे। अल्लाह ताला देखें क्या फरमा रहा है कुरान के अंदर इनके बारे में। जी अल्लाह ताला कुरान में इनके बारे में कहता है, वस्कुरू नियमतल्लाहि अलैकुम, तुम याद रखो अल्लाह ताला की नेमत को जो उसने तुम पर की है। इस कुंतुम आदान, तुम उस वक्त को याद करो जब तुम आपस में शदीद दुश्मन थे। फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने, यहाँ पर जो जमीर जा रही है वो अल्लाह ताला की तरफ है, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दरमियान उल्फत पैदा कर दी है, जोड़ दिए हैं तुम्हारे दिलों को। फअसबहतुम बिनिअमति ही इख्वाना, और तुम उसकी नियामत से भाई भाई हो गए हो। ये किन के बारे में फरमाया जा रहा है? ये अव्वलीन जो मुखातब हैं यानी कि सहाबा किराम, उनके बारे में, यानी अल्लाह ताला की नेमत से वो आपस में भाई भाई बन गए थे। अल्लाह ताला की नेमत से जो भाई भाई बन जाता है, क्या वो अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की जिंदगी हद तक था ये अली आयत का मामला? क्या अल्लाह की नेमत से भाई भाई होने वाले सिर्फ अल्लाह के रसूल की जिंदगी में भाई भाई थे? इसके बाद उनमें शदीद इख्तलाफ फूट गए थे। बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल के बारे में कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल की तदफीन भी नहीं हुई थी, तो वहां पर बनू सकीफा के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं खिलाफत के मामले के अंदर। तो आप मुझे खुद बताइए कि ये आपस में भाई भाई कैसे बने? अल्लाह की नेमत, तो ये तो अल्लाह ताला के पास एतराज जाता है। तो अल्लाह की जो नेमत से ये भाई भाई बने थे, वो उनकी नेमत से भाई भाई सिर्फ एक अल्लाह के रसूल की जिंदगी की हद तक था वो मामला। ये हो जैसे ही ही अल्लाह नहीं के सकता। रसूल हुआ, आपस में भाई बंदी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। अल्लाह ताला तो फरमाता है, वल्लजीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, अल्लाह के रसूल की जो साथी हैं ये बड़े मजबूत हैं, ताकतवर हैं कुफार के ऊपर। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे हैं कि एक दूसरे की कमजोरियों को ख्याल रखते हैं, बड़े रहीम हैं आपस में। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में गवाहियां हैं। हम इन बातों को मुकम्मल तौर पे छोड़कर जो है वो रिवायत हदीस की तरफ जा रहे होते हैं। एक और जी आयत मैं आपको सामने पेश करता हूँ, मेरे जहन में आ रही जी है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वह अल्लाफा बैना कुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया है, तालीफ कल्ब कर दिया है। लव अनफकता माफिल अर्दी जमीअम मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ताला अपने नबी को मुखातिब करके कहता है कि अगर आप जमीन में जो कुछ है उसको खर्च कर देते, आप तब भी इनकी दिलों को आपस में जोड़ नहीं सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहु, ये तालीफ कल्ब अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर हम ये साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद इतना इंतशार बरपा हो गया था कि हजारों की तादाद में जंगे जमल, जंगे सिफाइन, ये बयान की जाती हैं कि इनके दरमियान इतना शदीद मुनाफरत हो गई थी कि हजारों की तादाद में सहाबा कत्ल कर दिए गए,
ये भी बताया जाता है कि अली बिन अबी तालिब अबू बकर इनके दरमियान शदीद अदावत हो गई थी फातिमा बिनते मोहम्मद उन्होंने 6 महीने बात नहीं की थी, बात ना करने के बाद इसी हालत के अंदर उनका इंतकाल हो गया, शदीद मुखालफत बताई जाती है। तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने जो तालीफ कल्ब की थी वो कहाँ गई, अल्लाह ताला ने जो उनको भाई भाई बनाया था वो कहाँ है। सबसे जो मजबूत और काबिल एतमाद तारीख है वो कुरान की तारीख है। आप कुरान की तारीख से पहचाने ना, मुसद्दिक लिमा, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के बारे में, ये तस्दीक करता है, ये बताता है कि सच क्या है झूठ क्या है, ये मीज़ान है। इसको अल्लाह ताला मीज़ान करार देता है कि आप इस तराजू में रख के तोलें कि आपकी तारीख भी सही है या गलत तदवीन की गई है। अल्लाह ताला तारीख बयान करवा रहा है सहाबा किराम की कि ये तो आपस में भाई भाई बन गए थे अल्लाह ताला की नेमत से। और रिवायत हदीस बता रही है कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद तो इनके दरमियान मुनाफरत फैल गई थी, शदीद इख्तलाफ बरपा हो गया था और नौबत ये आ गई थी कि खून के प्यासे बन गए थे। और आप अगर उस वाकियात को पढ़े ना जंगल जमल और सिफ़ैन वाले, तो आप देखें कि मालूम ऐसा होता है कि जो सहाबा आपस में लड़े थे उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया, और जो हत्ते नहीं चढ़े वो बच गए। अगर हत्ते चढ़ जाते एक दूसरे के तो एक भी बच नहीं पाता, आपस में खून के ऐसे प्यासे थे। देखिए आप तो तारीख बयान करें और इसको देखें कुरान इनके बारे में तारीख यह बयान करता है, और फिर आप मुवाजना करें कि आप किसके ऊपर एतमाद करते हैं। हमारे यहाँ हाल ये हो गया है कि हम तारीख को ऐसे बयान कर रहे होते हैं गोया कि हम खुद वहां खड़े हुए इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। जबकि आप तारीख किताबों का मुताला करें ना, मैं आपको तारीख की किताबों बताऊँ, ये तारीख की किताबों की अपनी कोई असल नहीं है। आप तारीख तबरी उठाएं, आप तारीख की दूसरी किताबें उठाएं, ये तारीख सिर्फ और सिर्फ वो लिखी गई है जिसमें एक ख्याली तौर पर तस्वुरात पेश किए गए हैं। बातें तो ऐसी नकल कर दी गई हैं जिनमें कैरेक्टर खुद बनाए गए हैं, और कैरेक्टर बनाने के बाद कुछ रावी भी खुद से बना लिए गए हैं, क्रिएट कर लिए गए हैं, और उनसे पूरी कहानियां नकल कर दी गई हैं। हाँ, और बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसा लगता है कि रावी एक एक जगह पहुंचकर सारे मुशाहिदे किया करता था कि उसने उसको ये कहा, फिर वो वहां से एक कबीले से शाम पहुंच गया, शाम से इराक पहुंच गया। इतनी जल्दी तो हम इस जदीद जमाने में नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी रावी जो है वो बातें सुनने के लिए पहुंच जाया करता था। लेकिन इस तरीके से कौन अकीदत ने हमारी हकीकत पर ऐसा गलबा किया है कि हम हकायक देखना ही नहीं चाहते हैं, अकीदत जो है सिर्फ उसकी बुनियाद पर हकायक को छुपा देते हैं। हमें अकीदत करके हकीकत को लाना पड़ेगा, वरना इसी तरह हम गुमराह हो जाएंगे और कुरान के खिलाफ कई आपको नजरिया नजर आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और अब ये देखिए आजकल जैसे इतनी ज्यादा अकीदत हो गई है हदीस यानी किताबों से, रिवायती और ये तारीखी किताबों से, कि अगर कोई अगर उसको जैसे कहते हो तो फौरन मुनकर हदीस तो आ जाता है, चलो ठीक है ये तो कहते हैं अपनी जगह, लेकिन उन लोगों का क्या है जो कुरान के बातों को जैसे आयतों को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो वो क्या मुनकर कुरान नहीं कहलाएंगे? लेकिन कोई नहीं कहता। आप देखिए जरा कि कुरान के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो कोई उनके ऊपर नहीं लगता कि वो मुनकर या कुरान है, लेकिन हदीसों का अगर या रिवायत को अगर जरा सा भी इख्तलाफ करो तो फौरन उनके ऊपर लेबल लगाया जाता है। ये हाल है अकीदत का, कुरान का तो जिक्र ही नहीं। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की किताब इन दोनों को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया गया है। अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कदर, आप मुझे खुद बताइए इस पूरी दुनिया के अंदर, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं जो मुझे देख रहे हैं वो भी जानते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े जो है इजलास मुनाकिद किए जाते हैं, तहरीकें चल रही होती हैं, क्या अल्लाह ताला के लिए कोई तहरीक चलाई जाती है जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने जिनको कुरान के अंदर बदतरीन किस्म का शिर्क करार दिया है, गैरुल्लाह को पुकारना, गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज होना, इनके खिलाफ कोई तहरीक चल रही है दुनिया के अंदर? लेकिन आप ये देखिए कि गुस्ताखे रसूल के बारे में आपको तहरीक मिल जाएगी, ईसा के हवा जो साथी बने हुए हैं वो ईसाइयत की तबलीग करने के लिए आपको बड़ी तहरीकें मिल जाएंगी, दीगर चीज़ों के बारे में, दीगर शख्सियात के बारे में आपके सामने तहरीकें आएंगी। अगर आप किसी सहाबी के बारे में कोई बात करते हैं उनके बारे में तो आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की शान जिससे घट रही है, इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि तकादु समावातु यतफत्तरुन मिन्हु,
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाए, रेता रेजा हो जाए, इन्होंने दावा किया है कि रहमान की कोई औलाद है. यानी अल्लाह ताला के नजदीक शिर्क इतना बदतरीन है कि अल्लाह ताला उसको इस तरीके से यहाँ बयान कर रहा है. और हमारे यहाँ शिर्क को प्रमोट किया जा रहा होता है, बल्कि अकीदत के नाम के ऊपर शिर्क जो है वो राइज है, अकीदत के नाम के ऊपर. बिल्कुल, अल्लाह ताला की जात की वो कदर ही नहीं की जिसे कदर करने का हक था. इसी तरीके से अल्लाह ताला की जो किताब थी उसकी कदर भी इतनी ही घटा दी गई है कि हम दूसरी किताबों के बारे में अकीदत रखते हैं, उनका डिफेंड करते हैं, उनका दिफा कर रहे होते हैं उनके बारे में. जैसे कि अभी आपने कहा कि हम जैसे ही इनकार करेंगे हमें मुनकर करार दे दिया जाएगा और दीन से खारिज, गुमराह, जिंदगी पता नहीं क्या क्या अल्फाज से मुलक्कब कर दिया जाएगा. लेकिन क्या कुरान के वाज़े अहकाम को तर्क कर देने वाला, इनकार कर देने वाला, चाहे वो किसी भी जरिए से हो, चाहे वो अपने जहन से हो या रिवायात से हो, उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है. उसके बारे में हमारे पास कोई लगाने के लिए हुक्म ही नहीं है, क्योंकि ना हमने अल्लाह ताला की जात की वो कदर की जिसे कदर करने का हक था, और ना ही हमने अल्लाह ताला की किताब की वो कदर की जैसे कि उसकी कदर करने का हक था. हमने दोनों को जो है वो कदर की ही नहीं है, वो दर्जा दिया ही नहीं है जो दर्जा हमारे पास मुख्तलिफ शख्सियात का और उन शख्सियात से मंसूब किताबों का हमारे पास मौजूद है. बिल्कुल, हमारे अपने जानों को बहुत. और साथ में ये भी किया गया है, ये तो मैं इसको एक साजिश ही कहती हूँ, कि कुरान को जो है बस सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज किया जा सके, जैसे जैसे उसमें से वजीफे पढ़ लिए या उसको सर पे रख लिया रुखसती के वक्त लड़कियों की. और अब तो आजकल कुरान की हवा भी दी जाती है और ये बस की क्या है, या किसी मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ ली, ये कर लिया, बस सिर्फ यही रह गया है और समझ के और अमल करने की तो बात ही नहीं है. सूरह यासीन की अभी आपने जो बात की है तो एक आयत मेरे ज़हन में आ रही है सूरह यासीन में से ही. अल्लाह ताला बयान फरमाता है लियुनज़िरा मन काना हय्या, कि ये जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है तो इसका रीज़न बयान फरमाया है. अरबी ज़बान के अंदर लाम ज़ेर ली आता है रीज़न बयान करने के लिए, लियुनज़िरा मन काना हय्या, ताकि ये उसको खबरदार करे जो जिंदा है. और आप ये देखेंगे सूरह यासीन किस पे पढ़ी जा रही है, मुर्दों पे पढ़ी जा रही है, यानी जिंदों की किताब जो है वो मुर्दों पे पढ़ी जा रही है. बिल्कुल, ये लोगों में जिंदगी पैदा करती है, जिनके नफ्स मर चुके होते हैं उनमें जिंदगी पैदा करती है, जो अपने दिल को अपने सुनाई को इसकी तरफ रागिब करते हैं ये जिंदगी पैदा करती है उसके अंदर किताब, जो मुकम्मल छोड़ दी गई है उसको. और इसके सिर्फ और सिर्फ काम क्या रह गया है कि ये मुर्दों पर पढ़ी जा रही है, ये अमराज से शिफा करार दी जा रही है, ये दिलों के मर्ज की शिफा है. दिलों में जो बीमारी है, दिलों के अंदर जो शिर्क है, जो गंदगी है, उससे शिफा है, उसको शिफा छोड़कर ये फकत जो है ये मरीजों को पढ़ के दम किया जा रहा है इसका. बिल्कुल, और नेकियां और कलिमात की अदायगी, इस बात को याद रखें कि फकत कलिमात की अदायगी से कुछ हासिल नहीं होता. अगर आप जबान से कुछ कलिमात की अदायगी कर रहे हैं तो ये कभी भी आपके कोई समझ लें कि इससे कोई तब्दीली नहीं आ सकती है जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे. बिल्कुल, आप असबाब इख्तियार नहीं करेंगे जब तक तब्दीली नहीं आ सकती. अगर सिर्फ कुरान पढ़ने से इंकलाब बरपा हो जाता तो अल्लाह के रसूल सिर्फ कुरान पढ़ देते. कुरान के मुताबिक आपको अमल करना है. जब कुरान के मुताबिक अमल करने के बाद आप किसी चीज़ में तब्दीली ला सकते हैं तो फकत कुरान को जबान से पढ़ कर किसी मर्ज की दवा कैसे कर सकते हैं आप. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खाना नहीं खाएं और इस सूरतुल कौसर 5 दफ़ा पढ़ लीजिए आपका पेट भर जाएगा, तो ये नदानी वाली बात है, इसको कोई भी अकल वाला कबूल नहीं करेगा. लेकिन जब हमें ये बता दिया जाता है कि आप दवा मत लीजिए और आप इतनी मतलब पढ़ के इसको दम कर लीजिए अपने ऊपर, इससे ही कोविड में ऐसे ऐसे नुस्खे आए हैं, आप देखिए हम बिल्कुल कबूल कर लेते हैं, जबकि दूसरा जो मैंने आपको बताया वहां पर हम असबाब को इख्तियार कर रहे होते हैं. ये दुनिया आलम में असबाब है, असबाब इख्तियार करने के बाद ही नताइज बरामद होंगे. अगर आप असबाब इख्तियार नहीं करेंगे नताइज बरामद नहीं होते हैं. दुनिया में कोई भी किताब सिर्फ फकत पढ़ लेने से आप नताइज बरामद नहीं कर सकते जब तक अमल ना करें उसके ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, और आपने, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को
कुछ क्लेरिफिकेशन हुई होगी जो गलत फहमियाँ हैं कुरान के बारे में, और आपने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो यही उम्मीद करते हैं कि लोग कुरान की तरफ आए। तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे इससे मुताल्लिक, तो फिर हम अपना प्रोग्राम पैगाम तो मैं जो शुरू से आपकी कभी शुरू से सेशन ही शुरू उसी कर पैगाम रहे यही है हैं। कि असल ये है कि आप कुरान के मुताबिक अपने आमाल जो हैं वो क्या करते हैं उसको कुरान के मुताबिक अपने आमाल बनाएं। ये ना अमल हो करें। कि कुरान से हटकर हम दीगर बातें सुनकर या दीगर जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं उसके मुताबिक हम लोग अपने आमाल जो हैं वो बनाना शुरू करें या अपने बिल्कुल तस्वुरात नज़रियात कायम करें और वो बिल्कुल जो है वो कुरान के मुतजाद हो। कुरान के बिल्कुल मुतजाद नहीं होना चाहिए, कुरान जो है हमारा मीज़ान बनना चाहिए। कुरान से हम तोलेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। हम क्या करते हैं, हम कुरान को तोल रहे होते हैं, कुरान नहीं तोला जाता, मीज़ान को तोला नहीं जाता, मीज़ान से तोला जाता है। बहुत कुरान अच्छी बात। मुसलमल है कि कुरान जो है वो तस्दीक करेगा सही क्या है गलत क्या है। हम क्या करते हैं कि हम कुरान को पहले से मौजूद बातों के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। पहले आप कुरान में देखें कुरान क्या रहनुमाई कर रहा है, इसके मुताबिक आप देखें कि ये रहनुमाई क्या इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, क्या ये भी ऐसी ही बात लिखी हुई है जैसे कुरान के अंदर है। अगर लिखी हुई है तो सही है, अगर वो कुरान के मुतजाद है तो हमें मुकम्मल तौर पर उसको तर्क कर देना है। जैसे कि अभी आपके सामने बने सहाबा के बारे में जो कुरान की आयतें पेश की हैं और रिवायत हदीस के अंदर कितना आप देखें कितनी बातें लिखी हुई हैं, हजारों सहाबा शहीद कर दिए गए कत्ल कर दिए गए, ये जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग कुरान इसके बिल्कुल रद्द कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आंखें बंद करके कुरान के खिलाफ इन रिवायात को पेश करते हैं और बल्कि इन रिवायात का डिफेंड कर रहे होते हैं और बिल्कुल कुरान की आयत की तावीलात मुख्तलिफ करके साबित करते हैं कि नहीं ये जो बात थी ये दुनियावी हद तक नहीं थी या कुछ और मामला उस पर पेश कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कुरान को जी मिजान बनाए, कुरान आपको हर मौके पर रहनुमाई करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। चले फिर, इजाजत चाहते हैं आपसे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।